कौमी कैडेट कोर की परेड में शामिल हुए वज़ीर-ए-आज़म ने किया गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना, कहा नौजवानों के ख्वाबों और उम्मीदों को हुकूमत दे रही है नया मोड़। गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन का फाइटर प्लेन कुशीनगर के हितमपुर में हुआ हादसे का शिकार, पायलट ने पैराशूट से छलांग लगाकर बचाई जान। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वीर बहादुर सिंह गोरखपुर स्पोर्ट्स कॉलेज की कई स्कीमों का किया इफ्तिताह, कहा खिलाड़ियों के लिए पुरअज़्म है हुकूमत। और प्रयागराज कुंभ में आने वाले अकीदतमंद कर रहे हैं अलग अलग रंगों का दर्शन, नागा सन्यासियों के बनने के अमल से लेकर राम मंदिर के मॉडल का कर रहे हैं दर्शन। आदम, मैं हूं नगमा इरफान और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म ने 70वें यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर कौमी कैडेट कोर यानी एनसीसी के प्रोग्राम में शिरकत की। दिल्ली कैंट में वाकई परेड ग्राउंड पर वज़ीर-ए-आज़म की क्यादत वजीर दिफा निर्मला सीतारमन ने की। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। कैंट के करियापा परेड ग्राउंड में एयर चीफ मार्शल VS धनवा, बहरी फौज के चीफ एडमिरल सुनील लांबा भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म को एनसीसी के दस्ते ने सलामी भी दी। इस परेड में 17 डायरेक्टरेट के कैडेट शामिल हुए और उनमें 11 अलग अलग ममालिक के कैडेट्स ने भी शिरकत की। इस परेड में एनसीसी के तीनों विंग ने भी हिस्सा लिया। 26 जनवरी के बाद इस प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। इस परेड में पूरे मुल्क से मुंतखब किए गए कई कैडेट्स शामिल हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नौजवानों के ख्वाब और उम्मीदों को नया मोड़ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए भारत में सभी अपने हुनर की बदौलत पहचाने जाएंगे। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बदउनवानी की अब कोई भी जगह मुल्क में नहीं रहनी चाहिए। अवसरों की समानता के रास्ते में भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ी बाधा है। घुसखोरी, भाई भतीजावाद, अपना पराया, हमारी व्यवस्था में इनके लिए कोई स्थान होना नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार नए भारत का संस्कार हो ही नहीं सकता। मेरा और मेरी सरकार की सोच और एक्शन दोनों इस बात के साक्षी हैं कि भ्रष्ट आचरण करने वाला कितना भी बड़ा हो, कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कोई भी नहीं बचेगा। एनसीसी के सामाजिक कामों में दिए जा रहे तावुन की भी वज़ीर-ए-आज़म ने सताइश की। उन्होंने कहा कि सैलाब में एनसीसी के नौजवानों ने बढ़ चढ़कर मदद करके तारीफ हासिल की है। केरल में भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्यों में एनसीसी के कैडेट्स का योगदान बहुत सराहनीय है। सहयोग और समर्पण का जो पाठ आपने यहां सीखा है, उसको आपने केरल में मुश्किल में फंसे स्वजनों को राहत देने में अमल में लाया। मुझे विश्वास है कि आप इसी प्रकार अपने दायित्वों को निभाते रहेंगे। प्रयागराज कुंभ में स्वाभिमान बेटियों की उड़ान प्रोग्राम में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि संगम तट पर मुनक्कद कुंभ मेले में लोग इल्म की डुबकी लगा रहे हैं। पूरे मुल्क के लोगों के ख्यालात यहां साझा होते हैं, जिससे मुल्क को ख्यालात की आजादी के साथ यकजहती भी मिलती है। उन्होंने कहा कि औरत ने अपनी भूली हुई ताकत पहचानी है और वो आगे बढ़ रही है। खवातीन अपना फैसला खुद कर रही हैं। बेटियों की तयशुदा उम्र के बाद शादियां हो रही हैं, जिससे वो तालीम याफ्ता और समझदार हो रही हैं। आज यहाँ पर हम सब जो एकत्रित है, बहुत ही सुंदर विचार आज यहाँ आया है कि केवल स्त्री शक्ति के प्रतीक है कहने से नहीं होगा। या दूसरा कोई कई बार होता है, कौन किसको शक्ति देगा, कौन किसको पहचान देगा। अरे हम अपनी पहचान खुद बनाए, हम में वो ताकत है। अभी स्वामी जी आप बोल रहे हैं, आपने ये छेड़ा है कि बाल विवाह नहीं होना। क्या हमारी महिलाएं इन बातों को नहीं जानती? पानी का घड़ा लेने भी जाए बाजार में
तो ठोक बजा के लेती है, कुमार को पूछती है कच्चा तो नहीं है घड़ा, पक्का है कि नहीं, अच्छा पकाया है कि नहीं, कच्चा घड़ा नहीं चलेगा, जल्दी टूटेगा। तो घड़ा भी अगर कच्चा नहीं चलता है, पानी भरना हो तो जिससे उत्पत्ति होना है, जिसको घर गृहस्थी संभालना है आगे जा करके, ऐसी कच्ची लड़की की शादी करके चलेगा क्या? तीर्थराज प्रयाग के कुंभ में मरकजी वजीर डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कुंभ टूर प्रोग्राम में नमामि गंगे योजना की नुमाइश देखी। इस मौके पर उन्होंने दूरदर्शन से बात करते हुए कहा कि गंगा को साफ करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जा चुकी है, ज्यादातर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, 80% गंगा की शफाफियत के लिए काम किया जा चुका है। भारत सरकार की तरफ से लगभग 25,500 करोड़ के प्रोजेक्ट जो हैं वो स्वीकृत हुए हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स में पूर्ण हो चुके हैं, कुछ जो है उसमें पूर्ण होने की प्रक्रिया में है, उसके जो है टेंडर हो चुके हैं। इस बार महाकुंभ के अंदर जो लोगों ने सही उसका कहा कि इस बार का कुंभ जो है देवी कुंभ है, इस बार हजारों लाखों करोड़ों के लोग आए हैं जो स्नान यहाँ पर किए हैं, उन लोगों ने इस बात को महसूस किया है, इस बार गंगा का पानी बहुत साफ और सुथरा है, नहाने के लायक है। और हम लोग यहाँ तक पिछले लगभग 4.5 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लोगों को एक जो है एक संकल्प दिलवाया था और एक संकल्प लिया था कि हम गंगा को साफ करके रहेंगे, अविरल बना करके रहेंगे, निर्मल बना करके रहेंगे, उस दिशा में आप इस बार देखेंगे कि लगभग 80% जो है काम हो चुका है। गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन का फाइटर प्लेन कुशीनगर के हेतमपुर के नजदीक क्रैश हो गया। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि गोरखपुर एयरफोर्स का फाइटर प्लेन था जिसे पायलट अरविंद कुमार उड़ा रहे थे। प्लेन में कोई तकनीकी खराबी आई जिसकी वजह से पायलट ने प्लेन का रुख नदी की जानिब करके पैराशूट से छलांग लगा दी। प्लेन पूरी तरह से क्रैश हो गया लेकिन पायलट को थोड़ी चोट आई है और किसी के भी जानो माल का नुकसान नहीं हुआ है। गोरखपुर में एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ श्री जगुआर फाइटर प्लेन से विंग कमांडर रोहित ये अभ्यास कर रहे थे तो अचानक कोई तकनीकी खराबी होने से प्लेन में आग लगी है। उसके बाद उन्होंने उसे सेफली आबादी से बाहर करते हुए पैराशूट से वे नीचे उतरे हैं और प्लेन गिरा है, उसमें आग लगी थी, प्लेन नष्ट हो गया है। पायलट सेफली बच गए हैं और कोई आबादी में कोई भी हताहत नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार के जान माल की हानि नहीं हुई है। गोरखपुर में रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में खेलो इंडिया खेलो प्रोग्राम को फरोग देने के मकसद से खिलाड़ियों को सहूलत देने वाली कई स्कीमों का इफ्तिताह किया। इस स्टेडियम में हॉकी खिलाड़ियों के लिए एस्ट्रोटर्फ को भी इफ्तिताह किया गया जिससे खिलाड़ी बैनुल अक्वामी मियार पर अपने को तैयार कर सके। वजीर आला ने इस मौके पर कहा कि खिलाड़ियों के लिए हुकूमत संजीदा है और गांव से लेकर शहरों तक के खिलाड़ियों को अच्छी सहूलत देकर उन्हें इस लायक बनाया जाएगा कि वो रियासत को इज्जत दिला सकें। सरकार उन्हें नौकरी देने के लिए भी लाए अमल तैयार कर रही है। विगत 2.25 वर्ष के दौरान जो कार्यक्रम बनाए हैं उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में आज 7,71,00,000 रुपए की धनराशि की परियोजनाओं का लोकार्पण, जिसमें सिंथेटिक हॉकी मैदान और लगभग 5,93,00,000 रुपए की लागत से यहां पर कुश्ती हॉल के लोकार्पण का एक कार्यक्रम यहां पर आज संपन्न हो रहा है। 70,00,000 रुपए की धनराशि से स्पोर्ट्स स्टेडियम में निर्मित जिम हॉल और 59,00,000 रुपए की लागत से जिम के उपकरण आज यहां पर लोकार्पित किए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम में 3,70,00,000 रुपए की लागत से निर्मित कुश्ती हॉल और बैडमिंटन हॉल में भी आज यहां के खिलाड़ियों को हम समर्पित कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज यह प्रदेश के अंदर स्पोर्ट्स के लिए एक जाना पहचाना नाम है और इसलिए इन अपने छात्रों के लिए, इन युवाओं के लिए
खेल की सुविधाओं में विकास किया जा सके। प्रदेश सरकार ने, खेल मंत्रालय ने जो प्रयास प्रारंभ किए हैं उसी की श्रृंखला में आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। अतवाल तरक्यात तगजिया महकमे की जानिब से मिर्जापुर के GIC इंटर कॉलेज मैदान में लाडली दिवस का इनकाद किया गया। इसमें हजारों की तादाद में जिले की खवातीन और नौजवान लड़कियों ने हिस्सा लिया। जो खवातीन हामला हैं उनकी टीकाकारी की जा रही है। मरकजी वजीर ममलिकत अनुप्रिया पटेल ने टीका लगवाने वाली खवातीन को चुनरी, नारियल और बिंदी के अलावा फल और मिठाई देकर बच्चे की सेहतमंद रहने की दुआ भी दी। नौजवानी में कदम रखने वाली लड़कियों के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें सफाई और सेहत की मालूमात भी मुहैया कराई गई। बेहतर सेहत के लिए दवाइयां और सैनिटरी पैड भी मुहैया कराए गए। हमारी गर्भवती महिलाएं पहले ट्राइमेस्टर में हैं, उन सबको यहाँ पर एकत्रित किया गया है और उनके स्वास्थ्य और पोषण सहित तमाम परामर्श दिया जा रहा है। साथ में उन्हें एक पूरी दलिया भर के जो पोषक आहार है वो भी इस कार्यक्रम के तहत प्रदान किया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि हमारी जो भी गर्भवती बहनें हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाए ताकि वो और उनका जो आने वाला बच्चा है दोनों स्वस्थ हैं। इसी प्रकार जो हमारी किशोरियां हैं उनको भी बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित किया गया है और उनके लिए ये लाडली दिवस आयोजित किया जा रहा है जिसमें बेटियों को उनकी स्वच्छता, उनके स्वास्थ्य और उनके पोषण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं बेटियों को और उन्हें भी जो पोषण आहार है वो दिया गया है। आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स दी गई हैं। तो ये कोशिश है कि बेटियों का और हमारी गर्भवती स्त्रियों का जो स्वास्थ्य है वो पूरी तरीके से ठीक रहे। कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में मुनक़िदा स्वाइन फ्लू वायरस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर डॉक्टर आरके सिंह ने बताया कि वायरस अपना मिजाज तेजी से बदल रहा है जिसकी वजह से मानसून में सरगर्म होने वाला ये वायरस इन्फ्लुएंजा AH1 सर्दियों में भी लोगों को अपना निशाना बना रहा है जिसकी वजह से स्वाइन फ्लू से बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो चुकी है। इससे बचाव के लिए बेदारी और मालूमात दोनों जरूरी हैं। सांस के जरिए फैलने वाली ये बीमारी छींकने से भी एक दूसरे में फैलती है। ये फैलेगा जैसे कि मैं छींक मारूं तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से मैं किसी अगर मैं इन्फेक्टेड हूं और मैं 6 फीट के अंदर मेरे कोई पास में आ जाए तो जो मेरी सांसों के द्वारा जो निकलते हुए ड्रॉपलेट्स होंगे उनसे ये स्प्रेड करेगा दूसरे मरीज को। तो ये सांसों के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। दूसरा, ये अगर मैंने छींक मारा और मेरे हाथ पे जो गंदगी लगी है और मैंने दूसरे से हाथ मिला लिया, उसके हाथ पे चला गया और उसने हाथ पे अपने यहाँ रब किया तो वो चला जाएगा उसको भी। कि अगर किसी को फीवर हो रहा है तो वो अपने आप को स्वतः दूसरों से मिलने से पहले तो रोके। मथुरा में यमुना के पानी को पीने के लायक बनाने के लिए मरकजी हुकूमत की अहम स्कीम नमामि गंगे प्रोजेक्ट में 500 करोड़ रुपए की स्कीमों की शुरुआत हो गई है। यमुना की साफ सफाई स्टीमिंग मशीन से की जा रही है। सीवर लाइन और वाटर ट्रीटमेंट का काम चल रहा है जिससे यमुना में साफ पानी का बहाव यकीनी बनाया जा सके। यहां आने वाले अकीदतमंदों को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में यमुना का पानी पीने के लायक हो जाएगा। यात्री यहां पर आता है अपनी मुक्ति के भाव से और यमुना जल का पान करने के बाद में उसका मन विचलित हो जाता है और ये नमामि गंगे परियोजना लागू ही है और उम्मीद जगी हुई है कि अब यमुना जल शुद्ध हो जाएगा। गंगे परियोजना जो चल रही है जहाँ बड़े बड़े वैष्णव यात्री आते हैं देव दर्शन के लिए, ये बड़ा तीर्थ यमुना जी का बोला जाता है। मेन विश्राम घाट पे है, देश विदेश के लोग आते हैं, श्री यमुना जी के दर्शन करते हैं। नहीं, बहुत अच्छी योजना है। नमामि गंगे योजना के तहत यमुना का शुद्धिकरण होगा और निश्चित रूप से शुद्धिकरण होगा तो इसका जो पानी है आचमन के योग होगा। इसमें देश विदेश से जो तमाम और लाखों श्रद्धालु हमारे यहाँ आते हैं जो यमुना गंगा में स्नान करने आते हैं और जो उसका पानी है जब वो आचमन योग्य होगा तो निश्चित रूप से उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा। नमामि गंगे की जो योजना है वो सफलता के द्वार तक पहुँच रही है और हम सबका भरोसा है आने वाले कुछ साल डेढ़ साल के अंदर यमुना भी उसी तरह शुद्ध होगी। हम सब लोग उस यमुना जल में नहाएंगे भी और आचमन के योग भी निश्चित रूप से यमुना जी हमारी बनेगी।
रियासती हुकूमत का ड्रीम प्रोजेक्ट ऑपरेशन कायाकल्प स्कीम ने स्कूलों की तस्वीर बदल दी है। सीएम रियावा ब्लॉक के लहूरा देवा में बाकी स्कूल इस स्कीम और गांव के बच्चों की तालीम के लिए हुकूमत के जरिए उठाए गए कदमों की मुस्तकबिल की तस्वीर पेश कर रहा है। यहां इस खस्ता इमारत को खूबसूरत बनाया गया है। हाईटेक सहूलियात से स्कूल बिल्डिंग और क्लासरूम को मुजयन किया गया है। स्मार्ट क्लासेस से लेकर बैतुल खला तक सभी कुछ इस स्कूल में मौजूद है। डिजिटल भारत के ख्वाब को पूरा करता ये स्कूल सीसीटीवी कैमरे की नजर में भी है। कि आज गांव में प्राइमरी स्कूल के प्रति लोगों की उदासीनता थी, उदासीनता को देखते हुए और गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसी आई कायाकल्प योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो इसके तहत यह हुआ कि स्कूल में इसको इतना भव्य और सुंदर बनाया जाए ताकि बच्चों में एक आकर्षण पैदा हो और पढ़ाई बढ़िया हो, बच्चे बढ़ें। तो ये जब ये मुख्यमंत्री जी की जब ये योजना हमारी आई कायाकल्प की, तो उसके थ्रू प्रधान जी ने इसका सुंदरीकरण कराया है। हर एक पहलू पे इन्होंने ध्यान दिया। इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं भी दी हैं, जैसे कि इन्वर्टर की व्यवस्था कराई हर विद्यालय को, जिससे लाइट की कोई दिक्कत ना हो, पंखे की कोई दिक्कत ना हो। पहले मैं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ता था, यहाँ का विद्यालय टूटा फूटा था, अब बन गया, इसलिए मैं प्राइवेट स्कूल से नाम कटाकर यहाँ पर आ गया। चित्रकूट जिले में जिला स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे तलबा और तालबात को बेहतर तरीके से तालीम दिलाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट विशाख अय्यर ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत टीचर्स के इम्तहान राजकीय बालिका इंटर कॉलेज करवी में मुनाकिद कराए गए, जिसमें जिले के 603 असासा ने इम्तहान में हिस्सा लिया। नीति आयोग के जरिए तालीम को बेहतर बनाने के लिए जिन जिलों को मुंतखब किया गया था उनमें चित्रकूट जिला शामिल है। इसमें कराए गए सर्वे से ये हकायक सामने आए हैं कि बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए असातिज़ा को भी तरबियत दी जाए। वास्तव में कोई परीक्षा नहीं थी, एक साइको टेस्ट था, जिसके माध्यम से ये जानने का प्रयास जिलाधिकारी महोदय ने किया है कि क्यों हमारे बच्चों का आउटकम से कम आ रहा है। और मैं विशेष तौर से जिलाधिकारी महोदय की इस पहल का स्वागत करता हूं। इससे कहीं ना कहीं पर जो आउटकम्स की बात हो रही है, रिजल्ट की बात हो रही है, क्यों बच्चे पिछड़ रहे हैं, इसको जानने में कहीं ना कहीं पर हम लोगों को और जिलाधिकारी महोदय को सफलता मिलेगी। और ये निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है, अच्छा उद्देश्य है। नवंबर के महीने में हम लोगों ने जनपद के जितने भी प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पे लर्निंग आउटकम से संबंधित हम लोगों ने परीक्षा कराई थी, और उस परीक्षा में जो बॉटम 20% में जितने भी स्कूल्स आए हैं, तो वहाँ के जितने भी अध्यापकगण हैं उनका एक नीट असेसमेंट टेस्ट हम लोगों ने करवाया। इस नीट असेसमेंट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो बॉटम 20% में जो स्कूल्स आइडेंटिफाई हुए हैं वहां पे जो लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाने के लिए और शिक्षा के जो स्तर को सुधार करने के लिए और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए वहां से इस जो परीक्षा में जो टीचर्स अटेंड किए उनमें से 80 टीचर्स को हम लोग सेलेक्ट करके उनको ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे, और जो ट्रेन्ड टीचर्स मास्टर ट्रेनर्स के रूप में काम करेंगे, और अन्य टीचर्स को भी जो इंटरवेंशन जो शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार के लिए चाहिए उसके संबंध में प्रशिक्षण देंगे। बुंदेलखंड के लिए लानत बन चुकी अन्ना प्रथा पर काबू पाने के लिए बांदा के जिला मजिस्ट्रेट ने एक अनोखी पहल शुरू की है। इसके तहत अन्ना घूम रहे जानवरों को अपनाने वालों को जिला मजिस्ट्रेट फूल और तौसीफी सर्टिफिकेट देकर उनकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं। इंतजामिया की इस पहल से दो गांव अन्ना प्रथा से पाक हो गए हैं। इंतजामिया गांव सभा की खुली मीटिंग में देही बाशिंदों को इन जानवरों को अपनाने के लिए तरगीब देता है, जिसका फायदा होता दिखाई दे रहा है। जिले के कल्लूखेड़ा और भदावल गांव को अन्ना प्रथा से पाक करने में इंतजामिया कामयाब हो रहा है। ये अन्ना प्रथा का है। अन्ना जाने हाँ, तो क्यों बांधा आपने? ये गल्ला उजार रहे थे। अच्छा, किसने कहा, कैसे? प्रधान लेखपाल बाबू जी ने, सब ने आया तो कहा कि ऐसे अन्ना प्रथा के बांध लोगे तो आपका गल्ला बच जाएगा, आप रात में जो पढ़ते हो ठंडी लग जाए, मर जाओगे, तो इससे ये अच्छा। तो अगर अन्ना प्रथा सबको एक एक बांध लेगा तो कोई परेशानी नहीं रहेगी। इसको हार से साहब लाए पकड़ के, हमारे जो खेत में गेहूँ की फसल है वहाँ बई थे, वहाँ चर रहे थे गाँव है, अन्ना है। अच्छा। तो वहाँ से पकड़ के सब लोग मिल कर कहने सम्मत करके गाँव की सभा से है
पकड़ के हम लोग ने सब बांध लिया है इसको। कैसे? एक पाल साहब की सहयोग से, प्रधान जी के सहयोग से, सब लोगों के साथ सम्मत बना करके हमने बांधा है कि क्योंकि हमारे गांव की फसल बच जाएगा। अगर ये तने जो करते हैं तो हमारे गांव में कोई खाने के लिए पैदा नहीं हो रहा। और हम घर घर जाकर जिनके पास जानवर, अन्ना जानवर बंधे हुए हैं, उनको माला पहनाते हैं, पुष्प देते हैं और उनके मंगल भविष्य की कामना करते हैं। जिलाधिकारी महोदय ने इनको प्रशस्ति पत्र भी भेजा है, वो भी इनको भी मिलेगा। जो पशुपालक गांव में रहते हैं उनसे हम लोगों ने अनुरोध किया ग्राम के प्रधान सचिव लेखपाल के माध्यम से कि आप अपना एक एक तो पशु पालते ही हो, एक जो है अन्ना पशु जो इधर उधर बिछड़ गए हैं उनको भी पाल लीजिए। तो जिन लोगों ने इसमें काम किया आज हम लोगों ने उनको बुला करके उनका जो है उत्साह वर्धन करने के लिए प्रशंसा पत्र वितरित किए हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जो ये अभियान छिड़ा है ये हर घर घर तक, हर गांव तक जाएगा और इससे हमें अन्ना पशु से निजात मिलेगा। वाराणसी में मुनक़िद हुए गैर मुकीम भारतीय इजलास में इंजीनियर हरि बिंदल को गंगा की सफाई के लिए दिए गए बेहतर मशवरे के लिए एजाज से नवाजा गया। हरि बिंदल तवील अरसे से माहौलियात के लिए काम कर रहे हैं। गंगा की सफाई के लिए उनके जरिए दिए गए मशवरे की वजह से उन्हें इस एजाज के लिए मुंतखब किया गया है। मुझे 2 साल पहले मिला था प्रवासी भारतीय सम्मान, जो कि विदेश में रहने वाले भारतीयों को सबसे ऊंचा सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है अलग अलग क्षेत्र में। तो मुझे जो सम्मान मिला था वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में एक्सपर्टीज, उसके लिए मिला था। मेरी 50 साल की एनवायरमेंटल एक्सपर्टीज है और मैंने गंगा क्लीनिंग के लिए सुझाव लिखे हैं और भी बहुत सारे सुझाव हैं, उन सुझावों को देखते हुए मेरा सिलेक्शन हुआ। सोनभद्र जैसे पसमांदा जिले के नौजवानों ने खून का हथियार देकर समाजी बेदारी की एक नई मिसाल पेश की है। उनकी कोशिशों से मुल्क में ही नहीं गैर ममालिक के भी 6 मुल्कों में मुफ्त खून मुहैया कराया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर रेणुकूट के हिंडाल्को मैदान में एक मेगा कैंप का इनेकाद करके तकरीबन 150 लोगों ने खून का अतिया दिया। काशी हिंदू यूनिवर्सिटी से जुड़े रहने वाले दिलीप कुमार दुबे ने खून अतिया ग्रुप कायम किया था। आज ये ग्रुप दुनिया के कई ममालिक में मुफ्त खून मुहैया करा रहा है। फैलाव अब भारत के बाहर भी हो रहा है, जो 6 देशों में हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं। अगर आपको जरूरत होगा या कोई संपर्क में होगा तो हम लोग बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, जापान, नेपाल, मॉरिशस में भी ब्लड व्यवस्था कर सकते हैं। और अब क्रिकेट, भारत ने तीसरे एक रोजा मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की बढ़त हासिल कर ली है। न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 244 रनों का हदफ रखा था, जिसे भारतीय टीम ने 42 ओवर्स में 3 विकेट के नुकसान पर 245 रन बनाकर हासिल कर लिया। और अब देखते हैं प्रयागराज कुंभ से जुड़ी खबरें। प्रयागराज के कुंभ में जिन साधुओं से सबसे ज्यादा लोगों को दिलचस्पी होती है वो नागा सन्यासियों की दीक्षा से जुड़ा है। कुंभ में जूना अखाड़े में 1100 नागा सन्यासियों के बनने का अमल शुरू हो गया है। कल जूना अखाड़े के महंतों ने वैदिक रीति रिवाज और संत रिवाजों के मुताबिक उनका मुंडन संस्कार कराया। नागा सन्यासी आने वाले मानव अमावस्या को स्नान के बाद मुकम्मल तौर से जूना अखाड़े के रूप में और ताजुंगी में नागा सन्यासी बनकर मजहब के लिए काम करेंगे। नागा सन्यासी बनने से कबल उन्हें कुंभी के मायामोह से दूर होना पड़ता है और ब्रह्मचारी व्रत का पालन करता है। मुंडन संस्कार के बाद उनका पिंडदान करा दिया जाता है ताकि उनके सामाजिक रिश्ते खत्म हो जाएं।
अयोध्या में राम मंदिर तामीर को लेकर सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं, लेकिन कुंभ में विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर के नजदीक एक शानदार राम मंदिर का मॉडल लगाया गया है जो मुल्क और दुनिया के अकीदतमंदों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इस राम मंदिर के मॉडल को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और मॉडल देखकर राम मंदिर के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर होता देखना चाहते हैं। बहुत ही भव्य मॉडल बना हुआ है और इसी तरह का राम मंदिर बनना भी चाहिए और हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों को और बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द राम मंदिर निर्माण हो। लोग तो बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये राम मंदिर जल्द से जल्द बने। बहुत अच्छा है राम मंदिर, हम चाहते हैं तो कि इसी तरह बने, भव्य मंदिर हो। प्रयागराज में चल रहे कुंभ में इस मर्तबा मुरादाबाद के पीतल की चमक भी खूब दिखाई दे रही है। कुंभ में पीतल के सामानों की बहुत मांग हो रही है। पीतल की घंटी, लोटे, तश्तरी, डमरू, हनुमान जी की गदा, अखंड ज्योति और त्रिशूल की काफी तादाद में सप्लाई की ऑर्डर मिल रहे हैं। कारखानों में दिन रात काम किया जा रहा है ताकि हर वक्त सामान की डिलीवरी की जा सके। कुंभ से एक बार फिर मुरादाबाद की पीतल मुल्क और दुनिया तक अपनी पहुंच बनाने में कामयाब हो रही है। खसारे में चल रहे इस कारोबार को भी नई छलांग लगाने का मौका मिला है। कुंभ का ये मेला चल लिया है तो उसमें लोग गए हुए हैं, हमारे सागरद भी गए हैं, तो वहां से ऑर्डर मिल रहा है, जैसे घंटी है, लोटा है, गिलास है और काफी तादाद में मिल रहा है और यहाँ पर आने के बाद वो ऑर्डर बनने में ही बड़ी परेशानी हो रही है। लेबर रात को भी कर रही है, दिन में भी कर रही है और इस मेले से काफ़ी दस्तकारों को लाभ मिलेगा और आगे काम में जो मद्दा था वो तेजी आएगी। यहाँ पर जो है भगवान प्रयागराज के लिए जहाँ जो कुंभ का मेला बन रहा है वहाँ पर उसके यात्रियों को सब देने के सामान देने के लिए भगवान की मूर्तियाँ हैं, पूजा का सामान है, घंटे हैं, घड़ियाल हैं, शंख हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं सब भगवानों की, सब वहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। उसके लिए वहाँ पर प्रयत्न भी चल रहा है और लेबर लगाकर काम दुकानें बनाई जा रही हैं और जिससे कि पब्लिक को बहुत आसानी से सब चीज़ वहाँ पर उपलब्ध हो सके। पूजा की अधिकतर जो डिमांड है अखंड ज्योत है, मूर्ति है, घंटी, लोटा, इन चीज़ों की बहुत अच्छी डिमांड देखने को मिली है। इस समय डिमांड तो हालांकि काफ़ी है समय, लेकिन पूरी करने में लगे हुए हैं, कोशिश है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हो काम इस समय। संगम नगरी प्रयागराज के कुंभ मेले में सफाई पर खास ध्यान दिया जा रहा है। जगह जगह कूड़ा डालने के लिए चाय एटीएम लगाए गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में लाखों अकीदतमंद आ रहे हैं जिसकी वजह से बड़ी तादाद में कूड़ा जमा हो रहा है। इसके मद्देनजर संगम इलाके में जगह जगह चाय एटीएम लगाए गए हैं जिनमें कूड़ा डालने के बाद चाय मिल रही है। सर्दी के मौसम में चाय तो वैसे भी सभी को आराम देती है, लेकिन चाय से सफाई का ये मिशन अपने आप में एक अनोखी पहल है। हमने अभी एक कचरे पड़े थे रास्ते में, लाके यहाँ डाला। जैसे कि मैं आया मैंने देखा इनकी मशीन यहाँ पे लगी हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई है। काफ़ी अच्छा स्वच्छ भारत अभियान को एक अच्छा मुकाम दिया गया है कि कोई भी, बहुत से लोग आते हैं कूड़ा कचरा फैलाते हैं तो हिसाब से लोग कूड़ा लेके आते हैं यहाँ पे। कुछ भी कचरा लेके आइए, ए टू जेड बोतल हो, समथिंग समथिंग कुछ भी हो, आग इसमें आप डालिए जिससे आपको एक कप चाय मिलती है। और इस सर्दी के मौसम में चाय तो आप जानते ही हैं सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। सर ये मशीन लगाई गई है इसलिए कि हमारा थोड़ा सफाई का, स्वच्छ भारत बने, सफाई का भी काम होता रहे। सर इसमें, इस मशीन में सर आप खुद भी कचरा डालेंगे, पानी की बोतल या खुद भी कचरा डालते हैं 50-100 ग्राम तक, तो हमारा सेंसर और कैमरा दोनों मशीन के अंदर लगा हुआ है। जैसे ही हम यहाँ पे कचरा डालते हैं उधर से एक कप चाय ऑटोमेटिक, सर हमारी चाय यहाँ से एक कप गिर जाती है, ना एक कप से कम गिरेगी ना ज़्यादा गिरेगी, एक कप गिरती चाय उसके बाद सर मशीन बंद हो जाती है। तो ये थी प्रयागराज कुंभ मेले से जुड़ी कुछ खबरें और अब पेश है आखिरी खबरें। कौमी कैडेट कोर की परेड में शामिल हुए वजीर आजम ने किया गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना, कहा नौजवानों के ख्वाबों और उम्मीदों को हुकूमत दे रही है नया मोड़। गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन का फाइटर प्लेन कुशीनगर के हितमपुर में हुआ हादसे का शिकार, पायलट ने पैराशूट से छलांग लगाकर बचाई जान। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वीर बहादुर सिंह गोरखपुर स्पोर्ट्स कॉलेज की कई स्कीमों का किया इफ्तिताह, कहा खिलाड़ियों के लिए पुरजोर है हुकूमत।
और प्रयागराज कुंभ में आने वाले अकीदतमंद कर रहे हैं अलग अलग ढंगों का दर्शन। नागा सन्यासियों के बनने के अमल से लेकर राम मंदिर के मॉडल का कर रहे हैं दर्शन। इसी के साथ खबरनामा खत्म होता है, इजाजत दीजिए, शब बख़ैर।